बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान में कहा है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। अब इस मामले में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से जानकारी ही नहीं मांगी कि उनके यहाँ ऑक्सीजन से मौतें हुई भी हैं या फिर नहीं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में मौतें हुई या नहीं तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब भी नहीं दिया। केंद्र सरकार के माननीय मंत्री जी ने राज्यसभा में जो जवाब दिया वो सदन को गुमराह करने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकारों ने हमको ये जानकारी दी है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई, जबकि राज्य सरकारों से इस बाबत कभी जानकारी मांगी ही नहीं गई। ना जो ICMR का प्रोफॉर्मा है जिसमें हमको जानकारी देना रहता है पर डे कि कितनी आपके यहाँ कोरोना से मृत्यु हुई, किस तारीख को मृत्यु हुई, नाम इत्यादि भी भेजे जाते हैं, उम्र भेजा जाता है जो जानकारियों का कॉलम है, और दो मुख्य शीर्ष में जानकारी मांगी जाती है। एक केवल कोरोना से अगर ग्रसित था व्यक्ति और उनकी मृत्यु हुई, और दूसरा अगर कोमॉर्बिडिटीज थी, इसे एक अन्य बीमारियां उसमें चिन्हांकित हैं कि आपको कोरोना भी हुआ और पहले से ये 20 बीमारियां, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट ट्रबल हो गया, कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया इत्यादि, अगर ये बीमारियां भी आपको पहले से थी और कोरोना भी हो गया तो कितने लोगों की मृत्यु हुई, उन कॉलम में कहीं पर भी केंद्र सरकार ने कभी ये राज्यों से नहीं पूछा कि ऑक्सीजन की कमी से किन लोगों की मृत्यु हुई।